दमन हाईवे निकट शराब पाबंदी के मसले पर हंसराज आही से मिलेंगे भाजपा कांग्रेस नेता। बातचीत से रास्ता नहीं निकला तो आगे की तय होगी रणनीति। दमन में नेशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब दुकानों की पाबंदी से पैदा हुई मुश्किल से निपटने के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार से मिलेंगे। इसी कड़ी में बुधवार को दिलीप नगर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रमुख गोपाल दादा और दमन दीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने हाईवे के निकट शराब पाबंदी से सैकड़ों परिवारों पर खड़े हुए रोजी रोटी के संकट को टालने के लिए साझी रणनीति पर चर्चा की। इसमें तय हुआ कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज आहिर से मिलकर इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। दमन के नागरिक लोगों का आग्रह था और दमन के पूरे युवा टीम मेरे पास आज आई थी और दमन के युवा लोग काफ़ी जोर शोर से आए थे और कहा कि हम लोग 2-3-4 दिन के लिए दमन बंद करना चाहते थे। और मैंने बोला उसके लिए मतलब बंद करना कोई एक रास्ता नहीं है, हम लोग जाके मतलब एक ऑल पार्टी या कोई भी डेलीगेशन प्रशासक को मिलना है या दिल्ली जाना है, कुछ भी करना है तो हम लोग मिलके सब लोग बात करते फिर हम लोग डिसाइड करते बंद करना नहीं करना। अननेसेसरी बंद करके कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। तो 2-3 लोगों का कहना था कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है गोपाल भाई टंडेल और उनकी टीम, उनको मिलना है और उनको भी पूछना है कि जैसे दीव में एक होके सब एक मंच पे आए हैं और एक मंच पे सब लोग ने बंद किया तो क्यों नहीं दमन में ये हो सके। तो मैं बोला हो सकता है, आप पूछ सकते। तो उनका आग्रह था कि आप भी हमारे साथ आइए उनके पास, तो इसलिए आज मैं गोपाल भाई को मिलने यहाँ आया था। और गोपाल भाई ने ये कहा कि भाई ये जो चीज़ है वो हमारे हंसराज आहिर जो है उनके केंद्रीय राज्य होम मिनिस्टर, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम, तो उनको जाके मिलना है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और शायद बीएम भाई ने लालू भाई से भी दिल्ली बात हो गई है और लालू भाई ने सैटरडे शनिवार को उनका अपॉइंटमेंट लेने का कहा है। और हमने सोचा है कि सब 10-15 लोग यहाँ से जाएंगे, कांग्रेस अध्यक्ष दीव से, हमारे म्यूनसिपालिटी दीव कांग्रेस के अध्यक्ष हितेश आएगा, यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष सुखा पटेल आएगा, फिर और म्यूनसिपालिटी अध्यक्ष और बीजेपी के अध्यक्ष गोपाल भाई और वाइन मर्चेंट एसोसिएशन से, होटल एसोसिएशन से, ऐसे काफ़ी लोग 10-15-20 लोग ज़्यादा नहीं जाके उनको मिलते हैं और वो क्या कहते हैं उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे कि हमें दमन बंद करना है, रास्ते पे उतरना है या आगे की रणनीति क्या करनी है।